I know that this is the first time you are traveling to such a country, and you will be away from your parents for almost like 6 months, minimum 6 months, till your parents come to see you. And it is not going to be an easy phase, okay? It will be very, very difficult. In this time, it is these 5 people or maybe like another 30 people with you, that is your immediate family there. आप बोलोगे पापा खाना नहीं मिल रहा, पापा यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे. आपको आपकी फैमिली उधर बनानी है. यू हैव टू मेक फ्रेंड्स. टाइम विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेदर इज़ वेरी कोल्ड. इट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव हियर. सेकेंडली द फूड इज़ चेंज्ड. द पीपल देर आर डिफरेंट. इट इज़ लाइक नॉट एवरीवेयर यूल फाइंड इंडियंस देर. ठीक है, तो इट विल बी अ चैलेंजिंग फेस. यू विल फील लाइक क्राइंग. यू विल फील लाइक यू वॉन्ट टू गो बैक होम. तो ऐसी सिचुएशन में यू विल हैव टू हेल्प ईच अदर. ठीक है, अगर आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट लाइक लिविंग अप टू इट. सो आई रियली अर्ज यू टू बी देयर फॉर ईच अदर. जो भी रहेगा दुख सुख में सब साथ में रहिए. इट विल हेल्प यू ओनली इन द लॉन्ग रन. इट इज़ नॉट जस्ट 3-4 months का टाइम, इट इज़ 6 years का टाइम. तो 6 years आपको साथ में रहना है, एक दूसरे को हेल्प करना है. मेडिकल इश्यूज आएंगे, तबीयत ख़राब रहेगी, क्लासेस मिस होंगी, शायद और भी कुछ प्रॉब्लम, इधर से कहीं जाना है, कुछ सामान खरीदना है, नोट सपोर्ट करना है, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड हो गया या कुछ भी हो गया. सो इट इज़ दिस फैमिली विच हैज़ टू डील विद द प्रॉब्लम्स. आप हर एक चीज़ अपने मम्मी पापा को बताओगे तो दे विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर, दे विल स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड. तो उनको टेंशन नहीं देके ट्राई टू सॉल्व विद इन योर सेल्फ. सजेशन है, फॉर एवरी स्मॉल थिंग दे कैन नॉट टेक अ फ्लाइट एंड कम टू अलमाटी और एक्तोबे टू हेल्प यू आउट. हम लोग हैं, वी विल डू आवर बिट, बट जो इमोशनल सपोर्ट होता है दैट वी कैन नॉट गिव यू. आप आपके पेरेंट्स से बात कीजिए डेली, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कीजिए. ट्राई टू मेक देम कम्फर्टेबल, डोंट गिव देम टेंशन. ठीक है, मुझे ये नहीं हो रहा आज, मैं यहाँ पर अटक गई थी यहाँ पर, ये छोटे छोटे इंसिडेंट से ट्राई टू सॉल्व विद इन योर सेल्फ. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. बिकॉज एज अ फैमिली पर्सन, व्हेन आई वेंट विथ माय फैमिली टू अ अदर कंट्री फॉर 6 months, द मोमेंट वी लैंडेड देयर वी वेर थिंकिंग कि व्हाई डिड वी कम. आई वॉज विथ माई फैमिली, नॉट अलोन. इवन देन आई वॉज फीलिंग होमसिक. तो आप लोग तो अकेले जा रहे हो. सो दिस इज़ योर फैमिली. मेक श्योर दैट यू आर गुड विथ ईच अदर. देर आर नो अदर थिंग्स विच आर कमिंग इन मिडिल ऑफ योर फ्रेंडशिप. ओके, बी अ स्ट्रांग सपोर्ट, दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पढ़ाई होते रहेगी, पढ़ाई का कुछ भी नहीं है. आपको अच्छा रहना है उधर, स्वस्थ रहना है, और ये सब होगा तो आप पढ़ सकोगे. ठीक है, सिंपल फंडा है. और कुछ भी रहेगा, वी आर देयर फॉर यू. ठीक है, प्लीज़ बी पेशेंट. अगर कुछ चीज़ अपने हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही है, ट्राई टू बी पेशेंट. वी विल सी हाउ वी कैन फिक्स द थिंग्स, बट कीप अ स्माइलिंग फेस ऑलवेज. इट विल हेल्प योर पेरेंट्स टू बी रिलैक्स्ड. ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट. एनी लाइक और कुछ साइमल्टेनियसली व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज, इफ देयर इज एनी इशू, मेजर इशू दैट दे हैव टू शेयर विद अस. करेक्ट, राइट. Minor issues, we don't want to listen also. Correct. Minor issues, that will be solved there itself. Correct. But if it is major issue, then they have to share, then we'll take up to the higher level. Correct, exactly. जो भी आप कुछ भी मत बताओ, बोल तो ये लोग मेजर इश्यूज भी नहीं बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम. नहीं नहीं, मेजर इश्यूज तो बताना ही है, वो तो हमें भी बताना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके हॉस्टल में शायद सिंक नहीं चल रहा है. अब सिंक नहीं चल रहा है तो उसमें मैं क्या करूँगा, सर क्या करेंगे, तो आपको वहाँ पर ही फिक्स करवाना है. तो दैट आर स्मॉल स्मॉल इश्यूज. हाँ, आपके भाई हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपके रूम पार्टनर के साथ आपको मेजर इश्यूज हो रही है, यू हैव टू चेंज योर रूम, देन लेट अस नो, लेट अंकल नो, वी विल मेक श्योर दैट योर थिंग्स आर रिजॉल्व्ड. ठीक है, सो दीज आर माइनर एंड मेजर. Differentiate between them and share with us the selective things, not everything. Okay? ठीक है, all fine, all the best. क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही आप सब अंदर चलेंगे, तो उसके बाद शायद बातचीत ना हो. अगर कुछ भी है उससे पहले तो do let me know. ठीक है, अच्छा, साथ में कोई रहेंगे मतलब वो check-in कराने के लिए? सनी, मिस्टर सनी.